बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे तो आपको बता दे, वोट के बदले नोट केस में 1998 का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है, जहां पर वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं मिलेगी। अब तमाम सांसदों और विधायकों को छूट नहीं मिलने वाली है, जिसके तहत सदन में नोट लेकर दिया गया वोट या भाषण करेंगे तो उन पर केस चलेगा। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट से इनकार कर दिया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वोट के बदले नोट केस में 1998 का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया है, जहां पर वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं मिलेगी। अब तमाम विधायकों और सांसदों को छूट नहीं मिलने वाली है। सदन में नोट लेकर दिया वोट या भाषण तो चलेगा केस, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट से इनकार कर दिया गया है। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव अंजनी कुमार जुड़े हुए। अंजनी, देखिए, नोट के बदले वोट का जिक्र हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया, क्या कुछ है पूरी जानकारी इस नोट के बदले वोट को लेकर हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय राजनीति का में हम कहेंगे तो वोट के लिए नोट भी लेने की कई घटनाएं घटी हैं जी। और ये जो मामला है आप देखेंगे 1993 का मामला है, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, और झारखंड मुक्ति मोर्चा पे ये आरोप लगा था कि सरकार को बचाने के लिए उन लोगों ने वोट के लिए नोट लिया था जी। और उस समय जब तत्कालीन जब ये मामले चले तो 5 सदस्य जो जजों की जो कमेटी थी उन्होंने इस फैसला दिया था। और अब आज से लगभग 30 वर्षों के बाद ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, और इस सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों का जो बेंच रहा उन्होंने ये फैसला दिया है कि अनुच्छेद 105 के तहत जो भी सांसद हो, विधायक हो या राज्यसभा के सदस्य हो, यदि ये नोट लेकर वोट की परंपरा में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी घटनाएं घटती हैं तो वो मतलब वो बच नहीं सकते हैं। तो एक बड़ा फैसला है, और ये इस फैसले को लेकर यदि हम देखेंगे तो 30 साल पहले का जो फैसला है उसे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है जी। अब जो है ये बड़ा मामला है, और इस मुख्य तौर से देखेंगे तो सीता सोरेन बनाम भारत सरकार के बीच ये मामला चल रहा था, जिसमें सीता सोरेन ने छूट की मांग की थी, और इसी के बाद ये एक बड़ा फैसला आया है। इस फैसले के आने के बाद अब जो मामला इससे पहले जो मामला है उस पर भी इसका इम्पैक्ट होगा, और ऐसे फैसले आने से अब जो है ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। अंजनी, हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ऐतिहासिक फैसला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट की तरफ से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सीता सोरेन या फिर यूं कह लें कि शिबू सोरेन के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है ये फैसला। देखिए, ये मामला जो है जिस तरह से सीता सोरेन ने जो अपील की थी तो राज्यसभा में वोट का जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस पर ये एक मामला बनता था जी। तो हमें लगता है कि जब ऐसे फैसले आते हैं आएंगे तो जाहिर सी बात है कि झारखंड में हो या कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव के दौरान जो है कई बार नोट का बंडल या नोट का हम कह सकते हैं कि ब्रीफकेस कई बार पकड़ाया था। तो ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया है तो जाहिर सी बात है कि वैसे में इन चीज़ों में यदि कोई सोचता है कि हम इन्वॉल्व हों, या ये लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, पैसे लेकर के भी यदि कोई सवाल पूछता है तो तमाम चीज़ों पे इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमें लगता है भारतीय राजनीति के लिए लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, इन पे इसका मतलब व्यापक इम्पैक्ट पड़ेगा, और आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो नहीं घटेंगी। जी अंजनी, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर वोट के बदले नोट केस में 1998 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया है, जहां पर वोट के बदले नोट पर सांसदों को राहत नहीं मिलने वाली है, वहीं पर तमाम विधायकों और सांसदों को इससे छूट नहीं मिलेगी।